शिवरात्रि पर जो भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करते हैं, भोले बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, इसे ही प्रदोष भी कहा जाता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत करने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। ये भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च 2022 मंगलवार को है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग चारों प्रहर की पूजा करते हैं, उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, श्रीफल, रोली, अक्षत, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, कमलगट्टा, कनेर और सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। वो मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाते समय पंचाक्षर मंत्र, शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है। रुद्राष्टक का पाठ भी करते हैं। पहले प्रहर की पूजा शाम 6:21 से 9:27 तक, इस समय दूध से अभिषेक किया जाएगा। दूसरे प्रहर की पूजा 9:27 से 12:33 तक, इसमें दही से भगवान शिव के लिंग का अभिषेक किया जाएगा। तीसरे प्रहर की पूजा 12:33 से 3:39 तक घी से अभिषेक करते हैं। चौथे प्रहर की पूजा 3:39 से 6:45 भोर तक शहद से अभिषेक करते हैं। रुद्राष्टक का पाठ करते रहते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।